Hello students, welcome to the another lecture of chemical kinetics. In the last video we have discussed the initial rate method for determination of order of reaction. So we have done some questions in that video. So in this video we are going to cover one more numerical, and then we'll start zero order reaction. Okay, so I'll make you understand this numerical. This numerical has come in the IIT Advanced 2014, year 2014 it came. Okay, जेई के एग्जाम में आपके आईआईटी के एडवांस पेपर में आया था ये क्वेश्चन. सो ये इसी इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड है. इसको हम अच्छे से समझते हैं और देखते हैं इसको कैसे करना है. आई नो थोड़ी डिफिकल्टी होगी आपको समझने के लिए, वंस मैं समझा दूंगी एंड देन आप भी इसको एक बार समझोगे, उसके बाद अपनी कॉपी में जब नोट डाउन करोगे यू विल गेट इट. ओके, सो विल स्टार्ट. सो क्वेश्चन में बोल के रखा है फॉर एम इज इक्वल्स टू एन, मतलब एक रिएक्शन दे रखा है जिसमें एम टेंस टू एन है, मतलब एम इक्वल्स टू एन है. द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एम बोल रहा है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस जो रेट हो रहा है डिसअपियरेंस ऑफ एम का इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर 8. किस फैक्टर से इंक्रीज हो रहा है? 8 फैक्टर से, अपॉन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एम. मतलब जो अगर आप वंस जब कंसंट्रेशन ऑफ एम को डबल कर रहे हो तो जो रेट है उसका रेट इंक्रीज कर रहा है बाय अ फैक्टर 8. ओके, और इस चीज में बोल के रखा है आपको, आपको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एम. क्या निकालना है? आपका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एम. उसके लिए आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, 4 होगा या 3 होगा या 2 होगा या फिर 1 होगा. ओके, 4 होगा, 3 होगा या फिर 2 होगा या 1 होगा. सो टू अप्रोच दिस क्वेश्चन सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे. ओके, रेट ऑफ रिएक्शन हमको पता है, हम अगर रेट ऑफ रिएक्शन को हम जो पहले पढ़े थे कंसंट्रेशन, मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिखा जाए अगर रेट ऑफ रिएक्शन को, तो हम क्या लिखते हैं, R इज इक्वल्स टू आपका ये रिएक्शन था M टेंस टू N, राइट. तो इसको अगर आपको लिखा जाए तो आप कैसे लिखोगे, R इज इक्वल्स टू माइनस 1 कोफिशियंट यहाँ पे क्योंकि 1 है, ठीक है, अंडरस्टूड होता है. तो माइनस 1 बाय 1 क्योंकि रिएक्टेंट का है इसलिए माइनस साइन, dm बाय dt दैट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट का, यहाँ पे प्लस होता है इसलिए प्रोडक्ट का है इसलिए प्लस है, और यहाँ पे वन है क्योंकि वन ही अंडरस्टूड है इसलिए वन बाय वन डी एन बाई डी टी. तो आपने ये रेट ऑफ रिएक्शन लिख लिया इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. ओके, नाउ हमने ये भी पढ़ा था रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एम. सो इसमें से रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एम हम वैसे लिखते हैं, अगर हम रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिख रहे हैं तो हम विदाउट स्टोकियोमेट्रिक कोफिशियंट लिखते हैं, तो वो क्या होता है आपका, वो आपका रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपियरेंस होता है. जैसे कि आपका ये रेट ऑफ रिएक्शन लिखा आपने इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, वो आपका होगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस. आप इसमें स्टोकियोमेट्रिक कोफिशियंट नहीं लगाएंगे, तो यहां पे नहीं लगाए, ठीक है. और ये चीज मॉड में होती है आपका रेट ऑफ, हमेशा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस, क्योंकि रेट आपका पॉजिटिव क्वांटिटी इसलिए आपको मॉड में लगाते हैं, तो इसका जो माइनस साइन होता है ये माइनस साइन भी हट जाता है. सबसे पहली चीज तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस में हम स्टोकियोमेट्रिक कोफिशियंट यूज नहीं करते हैं, जो कि मैंने आपको पहली वीडियो में क्लियरली बताया था. दूसरी चीज, यहां पर नेगेटिव साइन नहीं आता है आपका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस, बिकॉज यहां पर मॉड लगा होता है और मॉड के अंदर वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ जाती है, इसलिए जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एम डीएम बाई डी टी. अब आप देखिए ये डीएम बाई डी टी ये भी एक तरह का रेट ही है आपका, राइट, और ये आपका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस भी है. तो हाँ, सिमिलरली हमको क्या कंसिडर करना है, जैसे हम पहले क्वेश्चन कंसिडर कर रहे थे, आपने इनिशियल कंसेंट्रेशन एफ एम मान लो आप, ठीक है, हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है तो हम यहाँ पे खुद सपोज करेंगे एक्स एंड वाई लेकर, ठीक है. सो इनिशियल एम एंड रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एम को लिख देंगे, जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एम वही हमारा क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन भी है, क्योंकि हमने ये इक्वेशन से पता चला हमें ये दोनों रेट ऑफ डिसअपियरेंस. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डी एम बाई डी टी दैट इज इक्वल्स टू आर, दैट इज वॉट रेट ऑफ रिएक्शन. नाउ पहले जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वहां पर भी आपका इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ ए, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ बी एंड देन रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ योर रिएक्टेंट, और रेट ऑफ रिएक्शन था आपका, ठीक है, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन था. तो यहां पर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आपका दिया हुआ है, बट ये हमने क्या कर दिया है, ये डीएम बाई डी टी आपका रेट ऑफ रिएक्शन हो गया है. नाउ जस्ट इमेजिन कि आपका एक्स का कंसेंट्रेशन था आपका, सॉरी इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ एम का था एक्स, ठीक है, और आपका इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ सॉरी इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और यू कैन सी द रेट ऑफ रिएक्शन था वो वाई था, ठीक है, एक्स था वाई था. फिर क्वेश्चन में क्या बोला है, द रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या हुआ, डिसअपियरेंस, जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ही आपका रेट ऑफ रिएक्शन है. सो द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एम, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एम इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर, कितने फैक्टर से इंक्रीज किया, 8, ठीक है, 8 फैक्टर से इंक्रीज किया, तो आपने क्या लिख दिया, वाई, इट इंक्रीजेस 8 टाइम्स मीन्स 8 वाई हो गया. नाउ क्या बोला है, कब इंक्रीज कर रहा है, बाय अ फैक्टर 8 अपॉन, कब,
अपॉन डबलिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ एम, जब कंसेंट्रेशन ऑफ एम को डबल कर रहे हैं तो इसका ये क्या हो रहा है, एट टाइम्स बढ़ रहा है। तो हमने क्या लिखा, एक्स लिखा था, यहाँ पे हमने टू एक्स लिख दिया, ये वाई था इसको हमने एट वाई कर दिया, ये एट टाइम्स बढ़ा, ये डबल हुआ मतलब टू हुआ, राइट ना। आपने दो इक्वेशन फॉर्म कर ली, आपका मतलब आपकी एक इक्वेशन फॉर्म होगी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है आपका, क्योंकि ये आपका देखिए यहां से यहां जब आ रहे हैं ये आपका डबल हो रहा है, हमने सीखा था राइट। यहां से यहां आ रहे हैं तो ये डबल हो रहा है, और यहां से यहां आ रहे हैं ये आपका थ्री टाइम्स बढ़ रहा है, मतलब सॉरी एट टाइम्स बढ़ रहा है, मतलब टू टू द पावर थ्री टाइम्स बढ़ रहा है, ये डबल हो रहा है बट ये एट टाइम्स बढ़ रहा है, डबल मतलब टू और एट टाइम्स मतलब टू टू द पावर थ्री, राइट। टू टू द पावर थ्री मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है, आप इसको नहीं देखोगे, आप रेट ऑफ रिएक्शन देखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन आपका टू टू द पावर थ्री मतलब कंसेंट्रेशन ऑफ एम की क्यूब पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि एट टाइम्स बढ़ रहा है, एट टाइम्स का मतलब क्यूब के टाइम्स में बढ़ रहा है राइट, क्योंकि ये डबल हो रहा है, डबल का एट टाइम्स क्या होगा, टू टू द पावर थ्री मतलब एम टू द पावर थ्री। तो वही ये लिखा है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम टू द पावर थ्री, ठीक है। नाउ ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम रेट कांस्टेंट लिखेंगे के एम टू द पावर थ्री। नाउ इस केस में आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया थ्री, क्या हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया आपका थ्री। तो ये क्वेश्चन था जो कि आपका आईआईटी एडवांस में आया था 2004 में, ठीक है। और इन सब में से ऑप्शन जो इन सब में से ऑप्शन दे रखे थे आपको, ये इन सब में से जो ऑप्शन दे रखे थे उसमें से आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस, दिस वन मोर एग्जाम्पल, या दिस वन मोर एग्जाम्पल, दैट इज वॉट दैट इज दिस एग्जाम्पल जो कि आपका आईआईटी के 2014 में मेंस में आया था, वो एडवांस में आया था, ये मेंस में आया था। इसमें मैं आपको देख बता देती हूँ, 2a प्लस बी सी इंटू सी प्लस डी, यहाँ पर आपको इनिशियल कंसेंट्रेशन दे रखा है, ए का दे रखा है इनिशियल कंसेंट्रेशन, बी का दे रखा है, आपको इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी दे रखा है, अगेन इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन थी सी दे रखा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ, आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ जो हम रिएक्टेंट प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखते थे राइट। तो ये देखिए, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी दैट इज डी सी बाई डी टी क्या है, क्या होगा इन सारे ऑप्शन में से, ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा। तो सबसे पहला जो अप्रोच आपको करना है, सेम जो मैंने अभी थोड़े पहले क्वेश्चन समझाया वैसे इसमें भी सेम अप्रोच होगा, आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेना है। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू आपको फर्स्ट वाले टर्म्स में लिखना है जो आपका, जिसमें आप रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन को काउंट करते थे। तो माइनस वन बाई टू डी ए बाई डी टी, माइनस वन बाई वन डी बी बाई डी टी, प्लस वन बाई सी क्योंकि ये प्रोडक्ट का है तो प्लस हो गया वन बाई सी डी सी बाई डी टी, प्लस वन बाई वन डी डी बाई डी टी राइट। सो ये हमने किस में लिख दिया, इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट जो हमने पढ़ा था रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का तरीका। नाउ यहां पर हमने चीज देखी है कि आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके इक्वल है, वो इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है। क्वेश्चन में हमें पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी मतलब डी सी बाई डी टी, और यहां पर देखिए क्या लिखा है, क्या लिखा है, डी सी बाई डी टी आपका रेट ऑफ रिएक्शन है। तो आप क्या लिखोगे, हेयर द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सी क्या है आपका, डी सी बाई डी टी राइट। तो आपको पूछा भी क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन पूछा है राइट, एंड दैट इज क्या लिखा है यहां पे, दैट इज द रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सी इज इक्वल्स टू डी सी बाई डी टी, मतलब आपका रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी और रेट ऑफ रिएक्शन दोनों आपका बराबर है, ठीक है। तो आप जब ये बॉक्स बनाओगे, जो इस तरह का जो आपका बॉक्स है, जो आपने फर्स्ट में यहां पर ये लिखा हुआ था इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, सॉरी इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, इसको आप क्या मान सकते हो, इसको आप रेट ऑफ रिएक्शन भी मान सकते हो राइट, इससे मिलाकर आप इक्वेशन भी बना सकते हो। सो वही करना है आपको, आपको यहां पर लिखना है इनिशियल ए, इनिशियल बी, नाउ इनिशियल आर, इनिशियल आर मतलब इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, और ये क्या है आपका रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, ये आपका आर ओ आर है, रेट ऑफ रिएक्शन है। नाउ आपने सारी वैल्यूज फिर से पुट कर दी, जो पीछे की वैल्यू थी वो यहां पर पुट की हुई है। अगेन आपको ऐसी दो क्वांटिटीज सिलेक्ट करनी है जहां पर वन में कांस्टेंट होगा, अदर में वो डबल या वेरी कर रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहां से देखना है, ये कांस्टेंट है आपका, यहां से यहां आया कांस्टेंट है, बट देखिए यहां से यहां आके डबल हो रहा है, मींस ए का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, बी का कंसंट्रेशन डबल हो रहा है, और जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है उसका जो वैल्यू है वो भी आपका क्या हो रहा है, सेम रह रहा है, मतलब कोई चेंज नहीं आ रहा है। मतलब क्या हुआ इसका, ये कांस्टेंट है, ये सेम ही रह रहा है, और ये आपका डबल हो रहा है, मतलब जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो आपका डिपेंड नहीं करता है बी के ऊपर, मतलब हम यही इससे वैल्यू यही हम बता पाएंगे, द कंसेंट्रेशन ऑफ बी डबल, क्या हुआ कंसेंट्रेशन ऑफ बी को डबल किया।
नो चेंज इन द रेट ऑफ द रिएक्शन, कोई चेंज नहीं हुआ रेट ऑफ रिएक्शन में, मतलब आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बी के कंसंट्रेशन में डिपेंड करता ही नहीं है. नाउ सेकेंड चीज, दूसरी चीज ये है कि यहां से यहां इस पॉइंट से आप ये पॉइंट से ये पॉइंट आ गए. अगर आप सोच रहे हो यहां से यहां आने का, तो देखो वन से ये डबल हो रहा है, बट यहां पे ये देखो हाफ हो रहा है, तो इसको नहीं कंसिडर करना है. एक क्वांटिटी शुड बी कॉन्स्टेंट, तो आप इसलिए यहां से यहां कंसिडर करोगे, यहां से यहां ये डबल हो रहा है, यहां से यहां ये कॉन्स्टेंट रह रहा है. ठीक है, कॉन्स्टेंट रह रहा है, सेम रह रहा है, जो भी. ठीक है, सो ये डबल हो रहा है, ये सेम रह रहा है. अब आप देखो ये यहां से यहां जब आ रहा है तो ये डबल हो रहा है, मतलब आपका कंसेंट्रेशन ऑफ ए डबल हो रहा है. बी कॉन्स्टेंट रहना मतलब बी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, और आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो रहा है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो रहा है, आपका ए का कंसंट्रेशन भी डबल हो रहा है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ ए के साथ, राइट. सो हमने सेकेंड जो स्टेप से उससे क्या फाइंड किया, कंसंट्रेशन ऑफ ए, जो आपका कंसंट्रेशन ऑफ ए है डबल्ड. अगर आपका कंसंट्रेशन ऑफ ए डबल हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल्ड हो रहा है, मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ है, वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ ए के साथ है. ओके, सो नाउ ये दोनों इक्वेशन है, हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे आपस में, और इक्वेट कर देंगे तो हमको मिलेगा आर इज इक्वल टू के ए टू द पावर वन बी टू द पावर जीरो, और हमें पता है एनीथिंग टू द पावर जीरो इज वैल्यू इज वन, तो ये वन हो गया, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज के टू द पावर ए, मतलब ए का इसका वैल्यू वन हो गया, मतलब आपका रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी आपका यही है डीसी बाई डी टी इज इक्वल टू के, क्योंकि यही जो रेट ऑफ रिएक्शन है वही आपका रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी है. सो के इज इक्वल टू ए टू पावर ए, सॉरी के इज इक्वल टू कंसेंट्रेट, सॉरी डी डी सी बाई डी टी, मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ योर सी दैट इज डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाई कंसेंट्रेशन ऑफ ए, और यहां पर जितने भी आपके ऑप्शन थे उनमें से ये ऑप्शन आपका सही माना जाएगा, क्योंकि यहां पे यही ऑप्शन दे रखा है. ठीक है, तो ये तो हमारे दो न्यूमेरिकल्स थे जो कि हमने समझ लिए हैं. ठीक है, जो मैंने लास्ट क्लास में शायद इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, तो मैंने आपकी इस अंडरस्टैंडिंग इसको फिर से एक्सप्लेन कर दिया ताकि आप लोगों को कोई डाउट न रहे, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके जेई और एडवांस जेई मेंस और एडवांस में आए हुए हैं, नीट में भी आए हुए हैं. सो नाउ विल मूव टू द जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स. नाउ व्हेन आई एम सेइंग काइनेटिक्स, काइनेटिक्स मीन्स हमने अभी तक आपको इनिशियल रेट पढ़ा लिया, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन सब पढ़ा लिया, अब हम जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे. नाउ व्हेनेवर यू हर्ड द वर्ड, व्हेनेवर यू आर हर्ड अबाउट द वर्ड काइनेटिक्स मीन्स व्हाट अ काइंड ऑफ रिएक्शंस आर गोइंग ऑन, मतलब सम मैकेनिज्म्स, सम ट्रिक्स, मैथमेटिकल मैकेनिज्म्स गोइंग ऑन. तो ये जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है, इसमें हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे. बेसिकली हम क्या करेंगे, इसमें उसका मैथमेटिकल पार्ट स्टडी करेंगे. ठीक है, मैक्सिमम इसकी मैथमेटिकल स्टडी करेंगे कि कैसे रिएक्शन का रेट निकलता है, कैसे जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स काम करती है, क्या होता है क्या नहीं होता है. तो ये चीज बहुत डिटेल में है, वैसे आपके एनसीईआरटी बुक में ये बहुत डिटेल में नहीं है, बट हाँ यस एनसीईआरटी बुक में आपके जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स एंड आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. ठीक है, मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को आपको बहुत एक्सप्लेन किया है, एंड सेकेंड ऑर्डर और उसके बाद जो थर्ड ऑर्डर ये सब होते हैं उनको बस ब्रीफली किया है. तो हम भी आपको जीरो ऑर्डर को बहुत डिटेल में बताएंगे, ऐसे डिटेल में बताएंगे कि आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकाल सकते हो. मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको अगर सीबीएसई में क्वेश्चन आता है, आपके बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, तो आपको आंसर कैसे लिखना है. आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है तो आपको कौन से शॉर्टकट ट्रिक्स लगाने हैं और आपका आंसर निकलेगा. सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो. इफ यू पीपल आर नॉट वॉचिंग द वीडियो प्रॉपरली, तो ये आपकी ही गलती है. अगर आप नोट्स पर रिलाई कर रहे हैं और सोच रहे हैं नोट्स देख के आप पूरी चीज समझ लेंगे, तो इट इज नॉट लाइक दैट. यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट जब समझेंगे तभी आप चीजें को क्लियर कर पाएंगे. ठीक है, सो नाउ ओके नाउ विल स्टार्ट. ओके, सो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स. जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब होता है मीन्स जीरो ऑर्डर रिएक्शन की मीन्स जीरो ऑर्डर रिएक्शंस कंप्लीट काइनेटिक्स. जीरो ऑर्डर रिएक्शन की कंप्लीट काइनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे. ये रिएक्शन मैक्सिमम केसेस ए जिसमें ए प्रोडक्ट से सॉरी ए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है 99% रिएक्शन इसी रिएक्शंस के लिए आपका ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन लगता है. ठीक है, मैक्सिमम रिएक्शन ऐसी होंगी जिसमें आपका रिएक्टेंट एक होगा और रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट बना रहा है. ठीक है, तो ऐसी रिएक्शंस के लिए मैक्सिमम टाइम पर मतलब 99% ऐसे रिएक्शंस के लिए पूरा वैलिड होगा. एक दो एक्सेप्शनल केस भी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी जो कि नॉर्मली बुक्स में नहीं दिया हुआ है, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, आपका आपका अलग अलग बुक्स में नहीं रहता है, बट भी आपको मैं बताऊंगी कि वो 1% जो अलग चीज है वो कहां से आती है और वो क्या होती है. ओके, सो बने रहिए. अब नाउ ओके नाउ वी नो अगर आपके पास ये रिएक्शन दे रखा है, ठीक है, आपको पता है आप रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है. आप रेट ऑफ रिएक्शन निकालोगे आर ओ आर, दैट इज रेट, इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालो तो आप क्या लिखोगे,
आर इज इक्वल, आपको पता है अगर आपको बोल दिया ये रिएक्शन दे दिया और बोल दिया ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आर इज इक्वल टू के टू द पावर ए नॉट। ए नॉट मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहां पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड ही नहीं करती। तो ये रिएक्टेंट है आपका, राइट right? अगर ये रिएक्टेंट है आपका और अगर आपको बोला है रेट ऑफ रिएक्शन निकलने के लिए, तो आप रेट ऑफ रिएक्शन लिख लोगे के इज इक्वल टू ए टू द पावर जीरो, बिकॉज ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है और जीरो ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। मीन्स मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है, मीन्स द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए, यही तो बोला है मैंने अभी जो समझाया कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है आपकी इंडिपेंडेंट होती है कंसंट्रेशन ऑफ ए के ऊपर। अब मतलब इसका क्या हुआ, आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज आर इज इक्वल टू के, जो कि के क्या है आपका के रेट कॉन्स्टेंट है। नाउ वन मोर थिंग इज देयर कि एज रिएक्शन स्टार्टेड, जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है, जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होता है द कंसेंट्रेशन ऑफ ए विल स्टार्ट टू डिक्रीज। देखिए जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होता है, जैसे आपका ये रिएक्शन है ए टू बी, राइट, सॉरी ए टू बी नहीं, ए टू प्रोडक्ट बना रहा है, जैसे ही आपका रिएक्शन स्टार्ट होता है द कंसेंट्रेशन क्या होता है, कंसेंट्रेशन ऑफ ए विल स्टार्ट टू डिक्रीज, डिक्रीज करना शुरू हो जाती है, ठीक है, बट देर विल बी नो चेंज इन द रेट ऑफ द रिएक्शन, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन आपके कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। जैसे ही रिएक्शन चालू होता है ए का कंसंट्रेशन, क्योंकि रिएक्शन देखो जब भी कोई रिएक्शन होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जितना था वो धीरे धीरे कम होकर पूरा कंज्यूम हो जाएगा, राइट, पूरा खत्म हो जाएगा, तो कंसंट्रेशन तो डिक्रीज हो रहा है बट आपका रेट कुछ डिक्रीज नहीं होगा। नॉर्मली केसेस में क्या होता है, वंस आपका केस आपका रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है तो धीरे धीरे रेट भी स्लो हो जाएगा, मतलब स्पीड ऑफ द रिएक्शन भी स्लो हो जाएगी। बट सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस में, सिर्फ और सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस में आपका जब रेट सॉरी कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा होता है तो आपके रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यही लिखा हुआ है। एज द रिएक्शन स्टार्टेड द कंसंट्रेशन ऑफ ए विल स्टार्ट टू डिक्रीज बट देर विल बी नो चेंज इन द रेट ऑफ द रिएक्शन। किसमें कोई चेंज नहीं होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, उसके रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, मतलब कोई भी चेंज नहीं होगा रेट ऑफ रिएक्शन में, ओके, बट देर विल बी नो चेंज इन वॉट इन द रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। नाउ रेट मतलब क्या, स्पीड ऑफ द रिएक्शन विल बी सेम, रेट स्पीड जो भी बोल लो वो आपकी सेम रहेगी आपके जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। नाउ जनरली क्या होता है, जो मैंने अभी बताया, जनरली इन ऑल रिएक्शन विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन द रेट ऑफ रिएक्शन विल ऑल्सो डिक्रीज। नॉर्मली वही होता है, जैसे जैसे रिएक्टेंट का अगर आपका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आपका डिक्रीज हो रहा है, एक टाइम के बाद क्या होगा, रिएक्टेंट बचेगा ही नहीं, तो आपका अल्टीमेटली जो रेट ऑफ रिएक्शन वो स्लो हो जाएगा, राइट, वापस स्लो हो जाएगा। तो यही हो रहा है इसमें, बट जनरल केसेस में ऐसा ही होता है, बट जीरो ऑर्डर में आपका क्योंकि कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता ऐसा नहीं होता है। तो क्या लिखा है, जनरली इन ऑल द रिएक्शंस विद डिक्रीज इन, क्या लिखा है, विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन सॉरी जनरली इन ऑल द रिएक्शंस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, मतलब विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन में कॉमा लगेगा, द रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो डिक्रीजेस, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज करता है। बट इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट, जो भी मैंने बोला इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे इंडिपेंडेंट होता है। नाउ Since the concentration of A will definitely decrease with time, but rate will remain constant. मतलब जैसे जैसे time बढ़ेगा आपका जो rate का concentration है, मतलब आपका concentration of A है, time के साथ decrease करेगा, but आपका rate of reaction पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Concentration decrease करेगा time के साथ, but rate पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Hence for zero order reaction क्या होता है, rate is independent of concentration। आपका rate concentration पे भी depend नहीं करता है, ना ही रेट आपका टाइम पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि टाइम पे कैसे डिपेंड करेगा, जब आपका कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड नहीं कर रहा है तो वो टाइम पे भी डिपेंड नहीं करेगा, आपका रेट ऑफ रिएक्शन सेम रहेगा, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन एंड टाइम। एंड ये डिपेंड करता है आपका जीरो ऑर्डर में आपका जो रेट है आपके टेम्परेचर वगैरह पे डिपेंड करता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आपको ये जान के रखना है कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो आपका इंडिपेंडेंट होता है, ना तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है ना ही टाइम पे। अगर आपको ग्राफ बोल दिया जाए जीरो ऑर्डर के लिए, ये ग्राफ है आपको, ठीक है, आपको प्लॉट दिया है रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का, ठीक है, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का आपको प्लॉट दे रखा है और बोला है कंसंट्रेशन अगर आपका घट रहा है या बढ़ रहा है जो भी, आपके रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेट स्टेडी है, देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा, अगर कुछ फर्क पड़ता तो ग्राफ ऐसे बनता या ऐसे बनता या ऐसे बनता, कुछ बनता, बट आपका ये डिपेंड ही नहीं करता, ये रेट आपका कॉन्स्टेंट जा रहा है। सिमिलरली रेट वर्सेस टाइम, इस पे भी कुछ डिपेंड, टाइम पे भी रेट डिपेंड नहीं करता, ये अपना कांस्टेंट जाता रहेगा, टाइम बढ़ता रहे ये बढ़ेगा नहीं,
ये कॉन्स्टेंट ही रहेगा। देखिए अगर बढ़ता तो ये ऐसे से बढ़ता, टाइम के साथ बढ़ रहा है मतलब ऐसे से बढ़ रहा है, घट रहा है तो ऐसे से घटता, ये कॉन्स्टेंट रहेगा। मतलब आपको याद रखना है कि जीरो ऑर्डर में आपका कंसंट्रेशन टाइम के साथ, भले कंसंट्रेशन और टाइम बदल रहे हो पर आपका रेट कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है। यही इतना कंक्लूजन था इसका। नाउ क्या लिखा है, दिस स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन, ऐसे ही स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो इन दिस वीडियो विल कंक्लूड टिल हियर, इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी डिस्कसिंग द इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।